बर्फीली हवाएं हैं, बर्फीली ठंडी है, वो पता नहीं कब किसको अपने अंदर निगल ले, अपने अंदर घोट ले। लेट मी गेट अप एंड फील माई पाइप। अब कह रहा है कि मुझे उठने दो, जो अपने चार पाई पे अपने खटिया पे लेटा हुआ है वो कह रहा है कि अब मुझे उठने दो और फील माई पाइप, मुझे मेरे पाइप को भरने दो। पाइपिंग पाइप इट मीन्स यू नो हुक्का पानी, हुक्का पानी जो लोग पुराने जमाने में पिया करते थे उसी को यूज करें। अब इस पाइप को पी पी कर वो क्या करेगा, अपनी ठंड को भगाने की कोशिश करेगा। वो उठता है और अपने पाइप को हुक्का पानी को भरता है। देन आई हैव स्मोक्ड 8 pipeful ऑलरेडी बट वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ। वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी 8 pipe पी चुका हूँ, मतलब 8 बार वो हुक्का पानी को भर भर कर पी चुका है, लेकिन फिर भी ये रात उससे कट नहीं रही। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फ्रॉम फार्मिंग। अब वो कह रहा है कि ये एक तरह का इनाम है जिसको मैं खेती करने से मिलता है। अगर मैं खेती नहीं करता तो मुझे खेत पर रखवाली करने नहीं आना पड़ता, और खेत पर रखवाली करने नहीं आता तो मुझे ठंड भी नहीं लगती। इसलिए वो अपने आप को पोस रहा है। सम लकी फेलोज आर लिविंग इन हाउसेज वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट अराइव इट अवे, अ गुड थिक क्वेल्ट वार्म कवर्स ब्लैंकेट एंड जस्ट लेट द विंटर कोल्ड क्राई टू गेट देम। अब कह रहा है, सोच रहा है कि कुछ भाग्यशाली ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं, जब ठंड आती है और उसके पीछे पीछे उसको उस ठंड को भगाने के लिए गर्मी भी आती है। कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग हैं कि जब उनके घरों में ठंड आती है तो उस ठंड को भगाने के लिए कुछ गर्मी भी आती है, और गर्मी इस फॉर्म में आती है, बताते हैं कि उनके पास बहुत मोटा सा रजाई होता है, बहुत मोटा सा गद्दा होता है, बहुत मोटा सा कंबल होता है, जिसके सहारे उन्हें ठंड नहीं लगती। जब उन सब वस्तुओं का यूज़ करते हैं तो उन्हें ठंड नहीं लगती है। फॉर्चून अरेंज एवरीथिंग वेरी वेल बाय वाइल वी डू द हार्ड वर्क एंड somebody gets द जॉय ऑफ इट। अब ये हल्कू साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो भाग्य है वो सारा उन्हीं लोगों के साथ है, जबकि हार्ड वर्क हम करते हैं और इसका फायदा किसी और को मिल जाता है, जबकि हार्ड वर्क हम करते हैं और उस हार्ड वर्क का फायदा लैंडलॉर्ड को, सेठ को मिलता है, और सेठ अपने मकान में मोटे मोटे कंबलों के नीचे अपने आप को ठंड से बचाते हैं और हम खेतों में ठंड के मारे सिकुड़ते। ही गॉट अप एंड टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पीट एंड टू किल्ड हिज पाइप। जबरा गॉट अप, अब उतना कहते हुए हल्कू अपने खाट से, अपने चारवाई से उठता है और अपने पाइप को भर लेता है, पाइप को भरकर वो पीने लगता है, और उसके साथ साथ जबरा भी उठ खड़ा होता है, उसका जो पेट एनिमल है डॉग वो भी उसके साथ उठ खड़ा होता है। अब क्या होगा, बाय स्मोकिंग हल्कू सेड इफ यू स्मोक द कोल जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। अब ये कह रहा है कि जो हम धूम्रपान करते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अपने डॉग से कह रहा है कि अगर तुम भी थोड़ा सा धूम्रपान कर लो तो क्या करेगा, ठंड थोड़ी कम लगेगी। हालांकि ये जो स्मोकिंग है वो भी बैड है, स्मोकिंग भी बैड है, लेकिन स्मोक करने से शायद तुम थोड़ा सा ठंड कम लेगा एंड देन यू फील अ लिटिल बेटर। जब स्मोक कर लोगे, जब धुआं अंदर जाएगी तब तुम्हें ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी, पहले से थोड़ा सा आराम मिले। अब क्या कहेंगे, जबरा लुक एट हिम विथ आइज ओवरफ्लोडेड विथ लव। अब जबरा क्या कह रहा है कि जबरा हल्कू की बात को सुनकर इमोशनल हो जाता है, क्या हो जाता है, इमोशनल, उसकी आंखें भर आती है, उसकी आंखें डबडबा जाती है। किसकी बात को सुनकर, हल्कू की बात को सुनकर। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट एंड टुमोरो आई विल स्पिल सम स्ट्रॉ एंड विल यू
When you bend down in that, you won't feel the cold. अब कह रहा हमको कि आज की रात किसी भी तरह से गुजार लो, आज की रात किसी भी तरह से गुजार लो, and then tomorrow I will screw some straw material. मैं कल तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रॉ मटेरियल हमारे खेतों में बिछा देंगे, मतलब पैडी वाला जो धान वाला जो पुआल होता है उसको मैं अपने खेत में बिछा दूंगा, और देन वो तुम्हें क्या करेंगे, कोल्ड से बचाएगा। जब उस पुआल में तुम अपने आप को पाओगे तो वो तुम्हें कोल्ड से बचाएगा। देन जबरा पुट हिज पॉ ऑन हंकुज नीज एंड ब्रॉट हिज मजन क्लोज, हंकु फेल्ट हिज बाउंस ब्रीथ। अब जबरा ने क्या किया, आपने दोनों आगे वाले पैर को उठाया और उसके घुटने पर डाल दिया, उसके घुटने पर, हल्कू के घुटने पर डाल दिया। अब जब हल्कू के घुटने पर उसका दोनों आगे वाला पैर गया तो ऑब्वियसली उसका जो माउथ है, उसका जो नोज है, मतलब जबरा का नोज और हल्कू का नोज दोनों के दोनों क्लोज हो गए, एक दूसरे से क्लोज है। और जब क्लोज हो गए तो जबरा जो सांस ले रहा था उस सांस की गर्मी हल्कू को महसूस होने लगी, कुत्ते की सांस की गर्मी हल्कू को महसूस होने लगी, थोड़ा सा उसे गर्म लगने लगा। आफ्टर ही फिनिशेज स्मोकिंग, मतलब अपने स्मोकिंग को, अपने धूम्रपान को फिनिश करने के बाद हल्कू क्या कहता है, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ, बट इन ओनली वन मिनट हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड। जैसे ही उसका स्मोकिंग खत्म हुआ हल्कू ले हो जाए, ले डाउन, और अपने माइंड को इस तरह से मैनेज करता है कि वो सोने जा रहा है, ही वुड बी स्लीप नाउ। अब अपने आप को सुलाने की कोशिश करें, बट इन ओनली अ फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसका जो हार्ट है वो धड़कने लगता है, बिगेन टू पाउंड, ही टर्न्ड फ्रॉम साइड टू साइड बट लाइक सम काइंड ऑफ बीच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट। जैसे ही वो अपने खाट पर जाकर सोने की कोशिश करता है लेकिन मारे ठंड के वो सो नहीं पाता है, करवटे बदलते रहता है चारपाई पर, हल्कू क्या करता है, करवटे बदलते रहता है, और वो कहता है कि ये जो डायन जैसी जो ठंड हवा है, जो वेदर है, वो उसे क्या कर रहा है, तोड़ने कर रहा है, चीर फाड़ रहा है, मतलब उसको डांस रहा है कि जो ठंड वाली रातें हैं उसको चुभ रहा है। When he could no longer bear it, he gently picked up Jabra and patting his head and get him to fall asleep and his sleep. जब बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब वो फिर से अपने आप को उठाया और जबरा को अपने गोद में ले लिया। हल्कू ने जबरा को अपने गोद में ले लिया और उसका सिर अपने गोद में रख कर उसके पीठ को सहलाने लगा। जब हल्कू जबरा के पीठ को सहलाने लगा, देन द फीलिंग दैट कम्स इनटू द माइंड ऑफ द डॉग, डॉग क्या कर रहा है, डॉग बॉडीज गिव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंग, बट हल्कू अगेन ही टाइट एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस। अब ये कह रहा है कि डॉग जैसे ही हल्कू के गोद में गया, उससे बहुत खराब बदबू आ रही थी, उस डॉग से हल्कू को बहुत खराब बदबू आ रही थी, उस स्मेल नहीं कर पा रहा था, फिर भी हल्कू उस डॉग को अपने गोद में लेकर उसको पैटिंग कर रहा था, उसको सहला रहा था, और उस एक्सपीरियंस को फील कर रहा था, वो डॉग को उस एक्सपीरियंस को फील कर रहा था, और फील करके वो बहुत खुश हो रहा था, जीवन के आनंद को महसूस कर रहा था। जैसे एक भाई अपने बड़े भाई के गोद में सर रखकर सोने की कोशिश करता है, जैसे एक अच्छा फ्रेंड अपने फ्रेंड के गोद में सर रखकर सोने की कोशिश करता है, वही वाला फीलिंग अब हल्कू को आ रहा है। ही हैडन्ट फेल्ट अ मंथ, बताया जा रहा है कि हल्कू, सॉरी जो डॉग है उसको ये फीलिंग आ रहा है कि बहुत महीने से मुझे इस तरह के हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, एंड दैट नाइट I am experience that type of happiness in my life. And Jabra probably thought he was in heaven and his Hulku's innocent heart there was no resentment of his smell. Jabra कह रहा है कि निश्चित ही
जबरा सोच रहा है, निश्चित ही उसके गोद में जाकर उसे ऐसा लग रहा है कि वह स्वर्ग में है। जबरा को लग रहा है कि वह हल्कू के गोद में रहकर उसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हल्कू जो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है, उसे उस कुत्ते की रिसेंटमेंट स्मेल भी स्मेल नहीं हो पा रही, उसकी खराब बदबू भी उसे खराब नहीं लग रही है। और इस तरह उन दोनों में लव अफेक्शन शो होता है कि खराब बदबूदार कुत्ते को भी अपने गोद में लेकर उससे प्यार करता है। यही तो लव है, यही तो अफेक्शन है बिटवीन अ वूमेन एंड एन एनिमल, एक इंसान और एक जानवर के बीच में लव अफेक्शन को ये लाइन शो करता है। देन ही एम्बैरेस्ड विद द वेरी सेम अफेक्शनल ही वुड हैव फेल्ड फॉर अ ब्रदर और अ सिस्टर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एक भाई और एक फ्रेंड के जैसे फीलिंग कर रहा था वो जबरा। एंड देन ही वॉज नॉट क्लिप्ड बाई द पॉवर्टी विच हैड रिड्यूस्ड हिम टू दिस स्टेट एट प्रेजेंट, अब उसे इस बात का कोई चिंता नहीं रहा कि वो गरीब है। जब ये मोमेंट चल रही थी, गोद में वाली बात चल रही थी, उस समय हल्कू ये पूरी तरह से भूल चुका था कि वो गरीब है और गरीबी की वजह से वो उसे इस तरह के स्ट्रेट की सामना करना पड़ता है। रैदर इट वॉज एज ट्रू दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप हैड ओपन ऑल द डोर्स टू हिज हार्ट एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ हेट। अब ये कह रहा है कि उसकी जो सिंगुलर फ्रेंडशिप थी, जो उसका दोस्ती था जबरा के बीच और हल्कू के बीच, उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी, जो दोस्ती थी, वो बता रहा है कि उसके दिल के हर एक कोने के कण को जागृत कर गया, छू गया, दिल के हर एक कोने को छू गया, वो ऐसा फीलिंग दे रहा था दैट टाइम। अब क्या कह गए, सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, दिस स्पेशल इंटिमेंसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अल्टरनेस इन हिम दैट डिस्टेंड द अनसॉल्टेड ऑफ द विंड। अब अचानक जबरा अपने नाक को उठाता है, सॉरी अपने आंख को उठाता है, अपने स्किन को उठाता है और एक स्ट्रेंज सा एनिमल साउंड उसे सुनाई देती है, स्ट्रेंज सा एनिमल नॉइज जबरा को सुनाई देती है। और जबरा उस स्ट्रेंज से एनिमल नॉइज को सुनकर क्या करता है, अलर्ट हो जाता है, प्रोड्यूस अ न्यू अलर्टनेस, अलर्ट हो जाता है मतलब सावधान हो जाती है कि अब लगता है कोई जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान करने आ गया है। और इस समय वो भूल जाता है कि अभी कोई ठंड का मौसम नहीं है। अब क्या करेगा, स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द सेल्टर एंड बिगेन टू बार्क, वो जंगली जानवरों की आवाज़ को सुनकर वहाँ से उठा और अपने खेतों की ओर भाग गया, भागता हुआ अपने खेतों की ओर भाग गया। एंड देन हल्कू रिस्टल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, उस समय हल्कू ने अपनी सीटी बजाई, कई बार सीटी बजाया और उसको बुलाने की कोशिश किया, बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, जबरा उसके पास वापस नहीं आया। ही वेंट ऑन वॉकिंग व्हाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फ्यूरर्स ऑफ द फील्ड, वो जबरा खेत में भौंकता ही रहा पूरी खेत का पूरे फील्ड का चक्कर लगा रहा था, वो भौंकता रहा, तब तक भौंकता रहा जब तक उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका जंगली जानवर वहाँ से भाग गया है। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए वो जबरा हल्कू के पास आया एंड देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और फिर से वो वापस अपने खेतों में रखवाली करने के लिए चला गया। द सेंस ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोजेशन ऑफ हिम एज टू इट वर डिजायर, अब कह रहे हैं कि उसको जो सेंस, उसकी जो ड्यूटी करने की जो सेंस थी, ड्यूटी करने की जो सेंस थी, उसमें ए एज अ अधिकार पोजेशन एज अ पोजिशन इट वॉज इन देयर, उसकी जो इच्छा शक्ति थी, एज उसकी इच्छा शक्ति में अपने ड्यूटी के लिए जो कर्तव्य निष्ठा थी, उसके बारे में वो सोचकर फिर बार बार खेतों में उस जंगली जानवरों को भगाने चला जाता था। देन आफ्टर द सेकेंड पार्ट इज ओवर नाउ, आई विल
teach you the third part and the fourth part in the next video, my dear. तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में. गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.